बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर और मरीजों को बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इसको लेकर कई सामाजिक दल आगे आकर अपना मानवता धर्म निभाने के साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर, प्लाज्मा और गरीब परिवारों को खाने के पैकेट और खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम किया जा रहा है। एक ऐसी ही भीलवाड़ा जिले की टीम से आपको मिलाते हैं जो लोगों के लिए एक मिसाल पेश करती है। इस युवाओं की टीम ने ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ही गरीब परिवारों को खाना, खाद्य सामग्री और चिकित्सा परामर्श का कार्य कर रही है। यह टीम ना किसी राजनीतिक दल और ना ही किसी सामाजिक दल से जुड़ी हुई है। केवल और केवल यह युवा मानवता धर्म को निभाने को लेकर अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच गरीब बस्तियों में जाकर उनके लिए खाना, खाद्य सामग्री और जूते चप्पल निःशुल्क भेंट करते हैं। इस टीम में कुल 40 सदस्य हैं, जिसमें युवा और युवतियां दोनों शामिल हैं। इस टीम ने अपने जेब खर्च से ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पतालों में उपलब्ध करवाए हैं। टीम सदस्य गौरव शाह ने बताया कि हम कार्य तो पूरी निष्ठा से कर ही रहे हैं, साथ ही हमें आए दिन लॉकडाउन के चलते पुलिस प्रशासन रोक लेती है और कर्फ्यू पास मांगती है, मगर मानवता धर्म में हम हमेशा अग्रसर रहेंगे। हमने प्रशासन से अपील कर रखी है कि हमारे पास बनाए जाए, जिससे हम हर गरीब परिवार तक पहुंच सके और उनकी सहायता कर सके, मगर अभी तक हमारे पास नहीं बने हैं। इसलिए सरकार व प्रशासन से हम अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे पास बनाया जाए। पॉपुलर न्यूज भीलवाड़ा से ब्रजेश शर्मा के साथ कैमरा पर्सन अनिल टेलर। नमस्कार, मेरा नाम गौरव कुमार शाह है। मैं रक्षित फाउंडेशन भीलवाड़ा का प्रेसिडेंट हूँ। हम अभी कोरोना काल में सभी लोगों की मदद करने में लगे हुए हैं। जो भी कोरोना पेशेंट्स हैं, उन सबको ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करने में, राशन प्रोवाइड करने में, हर तरीके की मेडिकल हेल्प उनको जैसी चाहिए उनको जानकारी पहुँचाने में हम सब लगे हुए हैं। और जिस प्रकार आप सेवा देना चाहते हैं, तो पुलिस प्रशासन रोकता है आपको? हमें पुलिस प्रशासन से हमें सहयोग चाहिए। अभी तक हमारे पास नहीं बने हैं पास, तो हमारे मतलब अलग अलग जगह पे पुलिस द्वारा हमें रोक दिया जाता है। हम उनको एक्सप्लेन करते हैं, फिर भी हमें थोड़ी परेशानी आती है इन कामों में, इसलिए हमें प्रशासन से सहयोग चाहिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम गौरव कुमार शाह है, मैं रक्षित फाउंडेशन से हूँ। आप बताइए कि आपके द्वारा क्या सेवा प्रदान की जा रही, किस प्रकार की जा रही? जैसे कि आपको बताया गया, हमारी हेल्प भीलवाड़ा करके टीम है, जिसके द्वारा हम कई लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर, राशन और सब प्रोवाइड करवा रहे हैं। वो हम 15 दिन से देख रहे हैं, काफ़ी मध्यम वर्गीय परिवार भी हमसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, जिनकी काफ़ी अच्छी मतलब जिनके सब जॉब वगैरह सब कम्प्लीट है। तो हम इस जगह देख सकते हैं कि जो मजदूर लोग हैं, उनकी तो अभी समस्याओं की मतलब काफ़ी समस्याएं उन्हें देखनी पड़ रही है। तो हमें काफ़ी कॉल्स भी आते हैं, तो हम उनकी क्या कहते हैं, राशन के द्वारा उनकी मदद करते हैं, उन्हें राशन पानी और जो उनके सुविधाएं जो जिसकी ज़रूरत है उन्हें प्रोवाइड करना। तो इसमें प्रशासन ने आपको क्या सहयोग दिया? प्रशासन की तरफ से हमें किसी भी प्रकार का अभी तक सहयोग नहीं मिल पाया है। हमने कई बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ से हमने राशन वगैरह लेके हम जाते हैं, तो हमें पुलिस वाले भी रोकते हैं कि हम आपके पासेस का हैं और आप किस अधिकार से क्या कहते हैं इन लोगों की मदद कर रहे हैं। तो हमें बस यही चाहिए कि हमें प्रशासन द्वारा थोड़ी मदद मिले और हमारे पासेस के ऊपर कार्य किया जाए और हमें हमारे कार्य करने के ऊपर आगे बढ़ाया जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं हेल्थ भीलवाड़ा के अंदर कार्य बोलिंग करूँ।